भागलपुर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 36 घंटे के भीतर चार अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। दरअसल यह घटना 11 जुलाई की रात घटित हुई थी, जब एक नाबालिग छात्रा अपने बॉयफ्रेंड के साथ तिलकामांझी थाना क्षेत्र के हवाई अड्डे के पास गई थी। इसी दौरान लूटपाट की नीयत से पहुंचे 6 लोगों ने नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद 12 जुलाई को पीड़िता द्वारा महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं मामला दर्ज होते ही पुलिसिया कार्रवाई भी तेज हो गई। सोमवार को भागलपुर सिटी SP कार्यालय में SP श्री राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया है। SP श्री राज ने बताया कि SSP आनंद कुमार के निर्देश पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद टीम ने केस की IO किरण सोनी के नेतृत्व में तकनीकी अनुसंधान की मदद से छापेमारी की और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी अब तक फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में मिथुन उर्फ नीति, रितेश कुमार, भोला मंडल और राम कुमार शामिल है। सिटी SP ने बताया कि DIU और FSL की टीम ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त किए गए गमछा और कपड़े को भी बरामद किया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने दुष्कर्म की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। सिटी SP ने बताया कि सभी गिरफ्तार अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा दिलाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कांड के सफल उद्भेदन में शामिल टीम को भी पुरस्कृत करने की बात कही। एक महत्वपूर्ण मामला है संबंधित जो अभी PC किया जा रहा है, जो कि तिलकामांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत का मामला है। जैसा कि आपको जानकारी है कि एक विभत्स घटना जो तिलकामांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत हवाई अड्डा परिसर में जो रेलवे लाइन के बाउंड्री किनारे जो हुआ है, जिसमें एक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया। पुलिस को 13 तारीख को शाम में तकरीबन 7 बजे सूचना प्राप्त हुआ कि एक बच्ची के साथ कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया है, तथा उनके जो पुरुष मित्र थे उनके साथ मारपीट और उनके मोबाइल को भी छीन लिया गया है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, यह घटना 11 तारीख के शाम तकरीबन 7 से 9 बजे के बीच की घटना है ये। जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिली, SSP सर के निर्देशन में उनके द्वारा एक टीम बनाया गया, जिसमें कि CT SP और SDPO सिटी, थानाध्यक्ष तिलकामांझी, DIU प्रभारी रंजीत, DIU प्रभारी धनंजय, थानाध्यक्ष सबौर, थानाध्यक्ष औद्योगिक, थानाध्यक्ष जोगसर, एजाज रिजवी DIU के, महिला थानाध्यक्ष ममता कुमारी तिलकामांझी थाना, अभिमन्यु कुमार सिंह, प्रकाश कुमार सिंह, रजनीश कुमार, जो कि DIU के सदस्य थे, टीम बनाया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टेक्निकल अनुसंधान तथा मानवीय आसूचना संग्रह किया गया, जिसमें कुछ संदिग्ध को हिरासत में लिया गया, उससे गहरी पूछताछ की गई और पूछताछ के क्रम में यह उन लोगों के द्वारा अपने अपराध को जो है कबूल किया गया है, और जिसकी हम लोगों ने टेक्निकल एविडेंस से भी हम लोगों ने उसको अप्रूव किया है। इस संबंध में SIT के द्वारा FSL की टीम के तथा DIU की टीम के साथ घटना पर जो हम लोगों को साक्ष्य मिले हैं, उस सबको एकत्रित किया गया है। घटना में जो इस्तेमाल गमछा है, कपड़े हैं, इन सबको विधिवत जब्त किया गया है और न्यायालय में भेजा जा रहा है। इस पूरे मामले में कुल 4 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। मितन उर्फ नीति, पिता वासुदेव मंडल, दूसरा रितेश कुमार, पिता कारालाल मंडल, तीसरा भोला मंडल, पिता बौन मंडल, चौथा राम कुमार, पिता सीताराम मंडल, जो सभी जो है सचिदानंद नगर के रहने वाले हैं। इस पूरे घटना में कुल 6 अपराधी सम्मिलित थे और इस मितन उर्फ नीति का आपराधिक इतिहास भी है। पूर्व में यह शराब के कांडों में भी जेल जा चुका है और इस पूरे टीम के द्वारा जो अच्छा कार्य किया गया है, इस पूरी टीम को एक पुरस्कृत किया जाएगा और 36 घंटे के अंदर जो अपराधी की गिरफ्तारी हुई है, अन्य 2 अपराधी की भी गिरफ्तारी बहुत जल्द कर ली जाएगी और इस पूरे मामले को स्पीडी ट्रायल में लेकर हम लोग उस बच्ची को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। भागलपुर के नौगछिया में एक शादी समारोह की खुशियां मातम में बदल गई, जब दुल्हन के फुफेरे भाई ने दूल्हे के मौसा को गोली मार दी। दरअसल यह घटना इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के शिव मंदिर टोला में
घटित हुई, जहां बारात का स्वागत देसी कट्टे के साथ किया जा रहा था। वहीं गोली लगने से दूल्हा के मौसा विनोद मंडल की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की शुरुआत तब हुई जब दुल्हन पिंकी कुमारी अपने होने वाले पति दीपक कुमार का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान जब दूल्हे की गाड़ी दुल्हन के घर तक पहुँचाने की बात पर दूल्हे के मौसा और दुल्हन के फुफेरे भाई के बीच तकरार हो गई। इस विवाद के दौरान दुल्हन के फुफेरे भाई ने पहले हवाई फायरिंग की और फिर दूल्हे के मौसा को सिर में गोली मार दी। वहीं गोली चलते ही शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई और बारातियों के बीच भगदड़ की स्थिति बन गई। इधर घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फुफेरा भाई मौके से फरार हो गया, जिसके बाद शादी की खुशियाँ मातम में बदल गई और बारात बिना शादी किए वापस लौट गई। बता दें कि मृतक विनोद मंडल कहलगांव के अमापुर त्रिमोहन चौक के रहने वाले थे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आई नया बरा द्वार लगले अब द्वार लगले जे मछनी वहाँ से जैसे घिढारी भवा लगले ना जे वहाँ से देखे छी ने कैसे लोग दौड़ा लगले तब वहाँ से इतना इतना ता लोग में मर्डर हो गए। किनका मर्डर है? लड़का को मौसा को। केना होले मर्डर? मर्डर कहने वाले ये सब हम नहीं जाना पड़ लिए कि कहने वाले नहीं हमारा ही न कोई दुश्मनी रहे न हुना से दुश्मनी रहे ये बीच में नीलो गांव दाखल लग है। दारू भी पी ले रहे की? दारू पीना रे की पीना रे मैं नहीं जाने छी। शादी हुए पड़ले? शादी कहाँ होले? शादी नहीं लड़का रे कहाँ करो? अति गोविन गोविनपुर के। तेरे वाले केरी जे शादी होती है? शादी 14 तारीख के। ये केर चिके? ये बेटे। की नाम है? पिंकी कुमारी। तोरो की नाम? हमरो गुंजन। भागलपुर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित श्रावणी मेला में इस वर्ष भी कांवरियों के लिए भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सोमवार को कलाकारों के चयन की प्रक्रिया भागलपुर के बरारी स्थित DRCC भवन में संपन्न हुई। वहीं चयन प्रक्रिया में कलाकारों ने अपने गीत और नृत्य के माध्यम से ऑडिशन दिया। बता दें कि इस वर्ष श्रावणी मेला का आयोजन आगामी 23 जुलाई से होने जा रहा है, जिसमें कई स्थानों पर चयनित कलाकार अपनी टीम के साथ शिव भजन, नृत्य नाटिका और अन्य भक्तिमय प्रस्तुति देंगे। वहीं चयन प्रक्रिया में भागलपुर जिला प्रशासन के कई पदाधिकारी निर्णायक मंडल के रूप में मौजूद थे। हालांकि चयन प्रक्रिया के दौरान कुछ व्यवस्थागत कमियां भी देखी गई, लेकिन इसके बावजूद चयनित कलाकारों को जल्द ही अखबारों और मोबाइल के माध्यम से सूचित करने की बात कही गई। जानते हैं विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है। जिला प्रशासन भागलपुर द्वारा, जो भागलपुर का क्षेत्र है सुल्तानगंज से असरगंज तक, धांधी बेलाड़ी तक, तो वहाँ तक के जो कांवड़िया पथ है और वहाँ की जितनी भी व्यवस्था है तो भागलपुर जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है। धांधी बेलाड़ी में सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रतिदिन आयोजन किया जाता है, संध्या 7 बजे से 10 बजे तक, तो 30 दिनों तक वहाँ कार्यक्रम चलेगा। और उसी के लिए 140 आवेदन आए हैं सांस्कृतिक दलों का, उसका ऑडिशन लिया जा रहा है। और जो भी अच्छे कलाकार हैं या पहले परफॉर्म कर चुके हैं उन सबों को अवसर दिया जाएगा। तो बाल बाल झड़ रहे हैं, गंजेपन के शिकार से बचना चाहते हो तो आ जाओ फिर इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन। ये सीधा तिलका मांझी चौक से आपको खानपट्टी वाले गली में मिल जाएगा। जब तुम सीधा अंदर आओगे तो फिर आ जाओगे इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन और देख लो अंदर का इंटीरियर, लाजवाब है। और यहाँ के रिजल्ट देख के तो मतलब मजा ही आ जाएगा, ये देखो है ना। तो आ जाओ फिर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप इस वीडियो के थ्रू वहाँ जाते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। एंड गो फॉर इट, मजा आ जाएगा। हमारा पता है खानपट्टी रोड, तिलका मांझी चौक, भागलपुर। मोबाइल नंबर 6200643686। भागलपुर के लोगों को अब अपने घर में लगे होम अप्लायंस के सर्विस के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ एक कॉल पर टेक्नीशियन आपके घर जाकर घर में इस्तेमाल होने वाले सामान की सर्विस करेंगे। दरअसल सोमवार को भागलपुर के भीकनपुर स्थित GC बनर्जी रोड में मन्नू भाई
क्विक सर्विस सेंटर का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन नील डेविड सैलून के प्रोप्राइटर नील डेविड, मन्नू भाई क्विक सर्विस के प्रोजेक्ट मैनेजर सुनील कुमार और भागलपुर सेंटर हेड मनीष सिंह सहित अन्य अतिथियों ने रिबन काटकर और दीप जलाकर किया। इससे पूर्व मुख्य अतिथि का स्वागत ढोल बाजे के साथ किया गया। इस अवसर पर नील डेविड ने कहा कि भागलपुर के लोगों को अब महानगरों की तर्ज पर सुविधा मिलने जा रही है। वहीं सेंटर हेड मनीष सिंह ने बताया कि मात्र 30 मिनट के अंदर टेक्नीशियन आपके घर जाकर अपनी सर्विस देंगे। इस अवसर पर कई लोग मौजूद थे। भागलपुर वासियों की एक तमन्ना थी कि उन्हें एक सर्विस प्रोवाइडर ऐसा मिले जो उनको ऐसी सुविधा मिले जो कि उनके टेंशन को दूर करे, तो मन्नू भाई उसमें एंट्री करता है और रेस्क्यू के लिए आता है भागलपुर के वासियों के लिए। तो मन्नू भाई आरओ केयर इंडिया कंपनी, इनकी पैरेंट कंपनी है जो 40 इयर्स पुरानी कंपनी है, और मन्नू भाई उनकी फ्रेंचाइज है जो 2023 में लॉन्च की है। तो मिलता जुलता नाम भी है, एक इमोशनल कनेक्ट भी हुआ कि मन्नू भाई और मनीष दोनों मिल करके शहर के प्रॉब्लम्स को, जो सर्विस में हमेशा दिक्कत होती थी हमें, हमारे प्रोजेक्ट हेड मिस्टर सुनील ये आए हुए हैं कंपनी की तरफ से, मिस्टर सुनील, एंड ही हेल्प मी अलॉट। मन्नू भाई ने हमें जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए लाइक कस्टमर रिसोर्स मैनेजमेंट, सब कुछ ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाएगा। किसी को भी कैसा भी दिक्कत हो, शरीर और बॉडी के सर्विस को छोड़ के जो कि डॉक्टर्स करते हैं, उनके अलावा जो भी सर्विस आप सोच सकते हो वो मन्नू भाई के छत के नीचे आपको मिलेगी। ये चीज़ है ना, इन अंडर वन रूफ। दूसरी बात, सब कुछ ऑनलाइन रहेगा, फेयर प्राइसिंग रहेगी, एवरीथिंग विल बी लाइक जीएसटी बिल्स, फेयर प्राइसिंग, टेक्नीशियन सर्टिफाइड्स रहेंगे, और जो भी सपोर्ट कस्टमर को लगेगा वो हमेशा हम अफोर्डेबल रेट्स में देंगे, और 30 मिनट्स में हमारा रेस्पॉन्स टाइम है, एंड एक ऐप रहेगी हमारी कस्टमर्स के लिए, और एक कस्टमर केयर नंबर रहेगा जो कि हमारे सारे बोर्ड्स पे फ्लैश होगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये मन्नू भाई का है और यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और हर एक जगह आप ना करेंगे। और मैं भागलपुर में मन्नू भाई के साथ कोलैबोरेट करके आज भिखनपुर में एक सेंटर का उद्घाटन हुआ है, जिसका उद्घाटन हमारे चीफ गेस्ट नील डेविड सर ने किया है। भागलपुर में एक ही दिन दो भीषण सड़क हादसे हुए जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहला हादसा सनौला मार्केट के पास ओएमजी रेस्टोरेंट के समीप हुआ, जहां दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में ओलपुरा गांव निवासी बिशन देव कुमार और सुलाना देवी एक मोटरसाइकिल पर सवार थी, जबकि दूसरी मोटरसाइकिल पर विक्रम कुमार और प्रीतम कुमार सवार थे, जो मिल्की गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं घटना में बिशन देव कुमार और विक्रम कुमार को गंभीर चोटें आई है, इसके बाद उन्हें इलाज के लिए सनोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने उसे भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया, जबकि सुलेना देवी और प्रीतम कुमार को हल्की चोटें आई है और उसका इलाज सनोला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। वहीं दूसरी घटना तब हुई जब एक टोटो पलटने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति की पहचान ताड़ल गांव निवासी बबलू दास के रूप में हुई है।